गांधी जी के मूल विचारों द्वारा प्रेरित सच द्वारा संचालित निर्माण का जो कार्यक्रम है मुझे बहुत पसंद है। कई कारण हैं, क्योंकि देश को बनाने का काम कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए एक गठजोड़ चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए, और नेटवर्क भी ऐसे लोगों का जो स्वयं से ज़्यादा सर्व पर ध्यान दें। दे शुड एम्फसाइज मोर ऑन वॉट दे कैन डू फॉर अदर्स देन फॉर देमसेल्व्स। तो वो ऐसे लोग जो अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंताओं को महसूस करते हैं, दूसरों की चिंताओं से प्रभावित होते हैं, दूसरों की तकलीफ को न केवल देखते हैं बल्कि उससे उनका दिल दुखता भी है। हम में से बहुत लोगों को दिखता तो है लेकिन दुखता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति, ऐसे युवा लोग जो देखते हैं और दुखता है जिनका दिल, ऐसे लोग देश के लिए कुछ कर पाएंगे। इस भावना से निर्माण के फेलोज को चुना जाता है और उनको कोशिश करते हैं कि उनको कैंप के द्वारा, उनको फेलोशिप के द्वारा ऐसा मौका दिया जाए जिसमें वो खुद अपने सपनों को एक गांधीवादी भावना के साथ ओतप्रोत होकर साकार कर सकें, एक दूसरे की मदद से सीख सकें, और साथ ही ये भी कोशिश करें कि जब गांव में जाकर काम करना होता है तो जो अंत्योदय की भावना है, जो अंतिम व्यक्ति को सामने लाने की भावना है, उस भावना को आधुनिक साधनों के साथ, आधुनिक विचार के साथ, आधुनिक विज्ञान के साथ और आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर कैसे आगे चला जाए, इसकी कोशिश करते हैं। इस प्रयास को हमने पिछले दिनों 44वीं शोधयात्रा जो सृष्टि और ज्ञान ने आयोजित की गढ़चिरौली में, उसमें मैंने महसूस किया। हमारे साथ काफ़ी साथी निर्माण के साथ चले जो गांव में रहकर काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कोई स्वयंसेवी संस्था के साथ काम कर रहे हैं, कोई पानी फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, और ऐसे युवा लोगों के पास जो भावना है, जो सेवा भाव है, चाहे वो किसी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट भी मिले हमको जो अपने एक साल के इंटर्नशिप कर रहे हैं यहाँ पर, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी मिले, इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट भी मिले, ऐसे भी लोग मिले जो किसी कंपनी में काम करके फिर यहाँ आए हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो समझता है कि उसको देश के निर्माण के लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है कि जहाँ पर उसको विचार भी मिले और उसको व्यवहार में लाने का मौका भी मिले, ऐसा एक मंच निर्माण ने तैयार किया है। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे मंच से मुझे अवगत होने का मौका मिला, और साथ ही उनके द्वारा प्रेरित लोगों का काम देखने को मिला। देवा भाई बड़ा जो हैं, उन्होंने तो अद्भुत क्रांतिकारी कदम किया यहाँ पर, 50 गांवों के अंदर उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया, वो भी यहाँ के पहले बैच के निर्माणी थे। तो मतलब कि यहाँ से जो प्रभावित युवक हैं वो सिर्फ जाकर अपनी सीवी वैल्यू के लिए एक साल जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोगों ने उसमें से बहुत क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तनों की नींव डाली है, देश को नए रास्ते दिखाए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मुझे गर्व है ये कहते हुए कि ऐसे बच्चों से मिलने का जो मुझे मौका मिला, जिनसे मुझे ताकत मिली, और हनी बी नेटवर्क को बहुत विश्वास है कि जो बच्चे इससे जुड़ेंगे वो निश्चय ही अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ नया सीख पाएंगे, कुछ नया सिखा पाएंगे। आभार।